हे एवरीवन, आज बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ बारिश हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। ताज़ी ताज़ी हवा भी बह रही है और मौसम बहुत सुहाना हो गया है। मैंने सोचा कि आप सबसे भी बारिश के इस व्यू को शेयर करूं और कैसे मेरे प्लांट्स खुश हो रहे हैं बारिश के पानी से, वही आप सबसे भी शेयर करूं। और सारे पत्ते जो है मेरे पौधों के वो धुल गए हैं और कितने साफ़ लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश थम गई है और इन प्लांट्स को मैं अभी अपने अपने जगह पे रख दूँगी। इन प्लांट्स की सॉइल जो है वो एकदम ड्राई हो गई थी, तो अच्छा ही हुआ बारिश के पानी से इनमें वाटरिंग भी हो गई है और पत्ते भी साफ़ हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेरे फिडल लीफ फिग में नए नए पत्ते आ गए हैं। आज सुबह ही मैंने ये नोटिस किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देखिए, ये एक नया पत्ता भी यहाँ से निकलने वाला है। मैं सोच ही रही थी कि इस प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें ग्रोथ देखकर। और ये मेरा एग्लोनीमा, ये मैं इंडोर में रखती हूँ, तो बारिश में मैंने आज इसको छोड़ दिया ऐसे। और ये मेरा कैलेथिया का प्लांट भी बहुत हैप्पी हैप्पी लग रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रोज़ खिला है आज, और रोज़ के अंदर देखिए ऐसे पानी ऐसे रुक गया है, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये वाइट रोज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिनों तक खिला रहता है ये, 20-25 दिन तक प्लांट में लगा रहता है। मेरे इस नियॉन मनी प्लांट का कलर देखिए कितना निखर गया है। बारिश के बाद जब प्लांट्स के पत्तों में पानी ऐसे रुक जाता है तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और देखिए, सारे प्लांट्स हैप्पी हैप्पी लग रहे हैं। और ये मेरा एडिनियम का फ्लावर देखिए, कितना ग्रीन लगता है ना सब कुछ, कितना फ्रेश हरा भरा लगता है, आँखों को सुकून मिल जाता है। और ये मेरा एलोकेशिया का प्लांट मैंने आज मेरे इस ट्रॉपिकल जोन में रख दिया है। पिलियोना रिपेंस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, देखिए नए नए पत्ते निकल आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये एरिका पाम मैं इंडोर्स रखती हूँ, तो कल रात को मैंने इसको बाहर रख दिया है। इंडोर प्लांट्स को बीच बीच में हमें बाहर भी रखना होता है। और इस प्लांट का नज़ारा देखिए, इसमें पानी ऐसे रुक गया है, ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, तो कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ग्रीनरी आपने ज़रूर एन्जॉय किया होगा, मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी वीडियो देखकर उतना ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप भी गार्डनिंग एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ गार्डनिंग। गार्डनिंग करने से हमारे
मन को बहुत शांति मिलती है और हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है, ये तो आप जानते ही हैं, आप सब भी प्लांट लवर्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खूब सारी गार्डनिंग कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।